reply explained about all the central schemes Honourable for the farmers. Member, Honourable Member, please. Question sir, number. Question number 86, sir. Mananiya Mantri ji. Mananiya Adhyaksh ji, Uttar Sabha Patal par rakh diya. Sir, in his reply, my Honourable Minister has explained about the central scheme for the farmers, sir. Farmers are the backbone of our country, sir. Our economy. At the same time, the living condition of our farmers is very pathetic, sir. For the farmers, there is no retirement, sir. No pension, no commission, sir, for the farmers. Farmers work hard till the end of their life, sir. 60% of the population in the country depends on the agriculture. There is no stable market and no stable price for the crops. The MSP, which has been given by the government, also various gaps and caps is there, sir. Only for 23 crops on various conditions. So my question is whether the government is ready to consider a retirement for the farmers and announce pension scheme for the farmers. Thank you, sir. Very good. Maniya Adhyaksh ji, जैसा सदस्य ने पूछा है तो उसके अनुसार मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है आने वाले कल में कि किसानों की इनकम बढ़े और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण जैसा कि उत्पादकता बढ़े, उत्पादन भी बढ़े और किसानों को संरक्षण भी मिले और इसके साथ ही लागत में भी कमी आए, इस दृष्टि से और नई टेक्नोलॉजी से भी जोड़ा जाए किसानों को और रिस्क कवर करना और इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव तक पहुँचे और इसके साथ ही बजट को भी बढ़ाना, जैसा कि प्रश्न के मूल प्रश्न में प्रश्न जो बजट का भी बात की गई है, जहां बजट है तो वो भी 2013 के अंदर टोटल मिलाकर 27,000 बजट था, 27,000 करोड़, वो अब बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए हो चुका है। नहीं, बजट बढ़ाने के लिए नहीं कहा, इन्होंने कहा कि क्या बजट, मैं उस पर भी आ रहा हूँ अध्यक्ष जी, मैं उस पर आ रहा हूँ और इन्होंने जो बताइए ऐसी, मैं उसके ऊपर आपको कहना चाहूंगा, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी जैसा कि योजना है उसके अंदर किसानों को जो एक उम्र पूरी होने के बाद 60 साल की उम्र का कहा है उसके लिए पेंशन योजना के तहत कृषि किसानों के लिए योजना चालू की गई है और उस योजना के साथ जो भी किसान जुड़ता है उसको आने वाले समय के अंदर उस किसान को उसके रेशियो के अनुसार उनकी उम्र के अनुसार उनको 3,000 रुपये का प्रावधान किया गया कि उसको पेंशन के रूप में उस किसान को जिसकी 60 साल से अधिक उम्र हो गई है उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ऑनरेबल मेंबर सबमिट नो टी आर बालू साहब।